हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो आज इसका आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन था और फाइनल डे सब्सक्रिप्शन इसका था। सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन अभी भी इसके अंदर जिज्ञासा है कि अभी देखते हैं अलॉटमेंट कितने चांसेस है। अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में बात करें तो फिलहाल देखा है तो करीब करीब आईपीओ 2 से 3 गुना भर गया। सारी डिटेल वीडियो में बनी हुई है, वीडियो के आखिर तक बने रहना, कोई पार्ट मिस मत करना ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके 17 तारीख को एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है। ज़बरदस्त आईपीओ, अच्छा खासा उसमें पैसा बनेगा क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ आ नहीं रहे, सभी एसएमई आईपीओ आ रहे हैं और एसएमई आईपीओ के अंदर अच्छा खासा पैसा फिलहाल बन रहा है। फिलहाल जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो देखते हैं अग्रवाल फ्लोर ग्लास इंडिया लिमिटेड आईपीओ का फाइनल डे। वेलकम बैक टू माई चैनल। हम बात कर रहे हैं अग्रवाल फ्लोर ग्लास इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखते हैं इसका लाइव स्टेटस क्या आ चुका है, क्योंकि आज इसका आखिरी दिन था और ये आईपीओ क्लोज हो गया। बात करते हैं इसके लाइव स्टेटस के बारे में। तो देखा जाए तो करीब करीब क्वालिफाइड के अंदर 0 रखा गया था, जीरो आया हुआ है। और बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर, तो करीब करीब 3 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड आईपीओ के अंदर। और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल थे वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और करीब करीब देखा है तो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आया है इसके अंदर अग्रवाल फ्लोट आईपीओ के अंदर। अगर दोनों को देखा है तो 50-50% कोटा रखा गया था। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो टोटल सब्सक्रिप्शन इसके अंदर करीब करीब हमको 5 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। चलो बात देख लेते हैं आईपीओ की। अगर बात करते हैं डे बाई डे के बारे में, तो देखा है तो करीब करीब फर्स्ट डे इसके अंदर करीब करीब 1 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। सेकंड डे के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 2 टाइम इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और थर्ड डे देखा है तो करीब करीब 2.5 टाइम इसके अंदर करीब करीब सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका था। और आज इसका आखिरी दिन था, आज है 15 फरवरी 2023, आज करीब करीब 5 टाइम्स इसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। आप यही कह सकते हैं अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड 5 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन आज के दिन में हो चुका है। और बात करते हैं इस आईपीओ की, बात करें अग्रवाल फ्लोट इंडिया आईपीओ के बारे में, तो देखा जाए इसके अंदर करीब करीब जो शेयर्स जो ऑफर हुए थे इसके अंदर उसके बारे में बात करते हैं। चेन्नई को 10,38,000 ऑफर हुए थे और रिटेल को भी करीब करीब 10,38,000 ऑफर हुए थे। करीब करीब देखा जाए तो 20,76,000 इसके अंदर शेयर्स ऑफर हुए थे 50-50%। और उसके लिए जो बिड आई है करीब करीब 20,76,000 आईपीओ के लिए करीब करीब 5 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन बिड इसके अंदर आई हुई है। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं और आज शाम में इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बड़ाई दबा दो। लाइक में कंजूसी मत करो, लाइक करते चले जाओ तो चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया लाइक करने का और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का। चलो देखते हैं इसकी और भी डिटेल करें अग्रवाल फ्लोट इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था 10 तारीख से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका था और आज है 15 फरवरी, आज ही आईपीओ क्लोज भी हो गया। इसका अभी भी फेस वैल्यू करीब करीब 10 रुपये रखा गया था और आईपीओ प्राइस 42 रुपीज़ का था। और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 3,000 शेयर्स रखे गए थे। टोटल इशू के बारे में बात करते हैं 9,20,00,000 का ये आईपीओ था और 9,20,00,000 को पूरा की पूरा फ्रेश इशू ये था। और साथ साथ में ये भी कहता चलो कि 9,20,00,000 के लिए करीब करीब देखा जाए तो इसके अंदर 5 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला। और बात करते हैं साथ साथ में इस आईपीओ की लिस्टिंग की, तो ये हमको तो अगर लिस्टिंग के बारे में बात करते हो तो ये हमको एनएससी एसएमपी वेबसाइट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ था जिसका पी करीब करीब 5 पी आई फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, तो कंपनी की फिलहाल मार्केट कैप देखा जाए तो 30,42,00,000 की मार्केट कैप, यानी छोटा सा कि छोटी कंपनी है एसएमई आईपीओ लेकर आया हुआ जिसका मार्केट कैप आज के डेट में करीब करीब 30 करोड़ रुपये ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने बताया इसने कोटा भी रखा गया था, 2 कोटा था एचएनआईस का और साथ साथ में रिटेल का। एचएनआईस को जो शेयर्स ऑफर हुए थे करीब करीब 50% ऑफर हुए थे और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल शेयर थे रिटेल को भी करीब करीब इसके अंदर 50% ऑफर हुए थे। चलो देख लेते हैं मेन डेट इसका अलॉटमेंट कब होने वाला है, क्योंकि आज ये अलाउ आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। अब मेन जिज्ञासा रहती है हमको अलॉटमेंट की, चलो अलॉटमेंट देख लेते हैं। अलॉटमेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के अग्रवाल आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। तो देखा जाए कि 10 तारीख को आया था, ये 15 तारीख को क्लोज हो गया, यानी आज के दिन क्लोज हो गया। अब मेन डेट जो सामने इसकी आ रही है वो 20 फरवरी की, यानी देखा जाए तो 20 फरवरी को इसका अलॉटमेंट होने वाला है मंडे के दिन। इसी मंडे को इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो बेसिक अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अलॉटमेंट मिले और अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग गेन के अंदर क्या करना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें मंडे के दिन वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चैनल पर कंटिन्यू बने रहना। और बात करते हैं इसके रिफंड की, तो देखा जाए तो 21 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 22 तारीख को हमारे ये डीमेट अकाउंट में ये आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है कंपनी की लिस्टिंग की, क्योंकि कोई कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो बहुत स्पेशल डे रहता है कंपनी का जो हमको देखने को मिलेगा अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड आईपीओ का, वो रहेगा 23 फरवरी 2023 को ये स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होगा। और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ की, बात करते हैं आईपीओ की डिटेल
रिटेल के बारे में, तो इसका लॉट साइज जैसे मैंने बताया था, इसका मिनिमम और मैक्सिमम जो रिटेल के लिए रखा गया था, एक लॉट रखा गया था जिसके अंदर 3,000 शेयर्स रखे गए थे, और टोटल अमाउंट जो पे करना था 1,26,000 टोटल पे करना था। अगर दो लॉट ले रहे तो ऐसे कैटेगरी में आ जाएंगे जिसके अंदर करीब करीब 6,000 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा 2,52,000, जिसका देखा जाए तो साथ साथ में प्रमोटर होल्डिंग भी इसके अंदर बताई गई थी, करीब करीब इसका 99% इसके अंदर होल्डिंग थी, यानी 100% इसके अंदर होल्डिंग प्रमोटर्स की थी, लेकिन अब 69 यानी 70% करीब करीब इसके अंदर होल्डिंग प्रमोटर्स की हो जाएगी। चलो देख लेते हैं आज के डेट में और शाम तक इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ 17 तारीख एक स्पेशल IPO जबरदस्त IPO आने वाला है, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके 17 तारीख यानी इसी फ्राइडे को अपना सब्सक्रिप्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया लिमिटेड IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। देख लेते हैं आज ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आज है 15 फरवरी 2023 और शाम के बज गए हैं करीब करीब 5:38। देखा जाए तो करीब करीब अभी भी इसके अंदर 14% करीब के देखने को मिल रहा है, डिस्काउंट पे लिस्ट होने वाला है, आज इसका अलॉटमेंट समाप्त हो गया। फिलहाल जो देखते हैं अभी इसके अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं, वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी इसका अलॉटमेंट है, उसके बाद लिस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके 17 तारीख को एक नया IPO ओपन होने वाला है, ज़बरदस्त IPO ओपन होने वाला है, उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।